तुम्हारी परवरिश सही नहीं है बहू। अनु एक मध्यम वर्ग की परिवार में जन्मी एक साधारण सी महिला थी। यूँ तो अनु सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन ससुराल में उसे उसकी परवरिश के चलते बहुत कुछ सुनना पड़ता। अनु सरलता से सबके ताने सुन लेती, लेकिन वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। अनु के ससुराल वाले काफ़ी संपन्न थे। अनु सबका कहा चुपचाप से सुनती, लेकिन परवरिश के लिए किसी की ना सुनती। अनु के पति नीरज भी कई बार इस कारण अनु से नाराज हो जाते हैं, लेकिन अनु के बच्चों को अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा था। वो पूरी निष्ठा से अपनी मम्मा के सिखाए कामों को करते हैं। अनु के घर पर उसकी सबसे छोटी और इकलौती ननद की शादी थी। घर के सभी सदस्य अपने अपने समय के अनुसार तैयारी कर रहे थे। अनु घर की बड़ी बहू थी। शादी की तैयारियों के चलते घर में खूब चहल पहल हो गई। अनु की दोनों देवरानियां भी बच्चों को लेकर घर पहुंच गईं। घर के बड़े बुजुर्ग बुआ मौसी चाचियां सभी पहुंच चुकी थी, लेकिन घर वालों की तरह बाकी लोग भी अनु की परवरिश देखकर हैरान थे। दीदी, तुम्हारी बहू का ये चलन मुझे पसंद नहीं। बेटी को घर का काम सिखाना चाहिए और ये बहू बेटे को अपने साथ रसोई में रखती है और बेटी मजे से घर से बाहर घूमती रहती है। दीदी, कम से कम आप तो ये उल्टी रीत सीधी कर दो। मेरी पोती सनाया को देखना, घर के कामों में अपनी माँ को भी मात दे देती है। कोई और देखेगा तो हंसेगा ऋषभ पर। आखिर वो एक लड़का है, इस तरह रसोई में अच्छा लगता है क्या? अब क्या कहूँ छोटी, मेरी बहू बहुत समझदार है, सारे काम इतने अच्छे से करती है। कोई अनु के काम में नुक्स नहीं निकाल सकता, लेकिन परवरिश ना जाने क्यों उल्टी दे रही है, जबकि मेरी पोती कशिश बहुत अच्छा खाना बनाती है अपनी माँ की तरह, लेकिन वो रसोई में नज़र नहीं आती। और ये ऋषभ हर वक्त अपनी माँ के साथ रसोई में घुसा रहता है। माँ, आज ऑफिस के बाद आप सभी मुझे मिल जाना, फिर सबकी पसंद के कपड़े आज ही ले लेंगे, नीरज ने ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ से कहा। सभी लोग तय वक्त पर मॉल पहुँच गए। सभी ने अपने पसंद की शॉपिंग की। खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। कशिश और सनाया सबसे आगे चल रहे थे तो अचानक दो लड़के नशे की हालत में दोनों लड़कियों से छेड़खानी करने लगे। जब तक पूरा परिवार संभालता लड़कियों के पास पहुंचता, तब तक कशिश ने एक ज़ोरदार किक लड़के के पेट पर मार दी। कशिश ने दोनों लड़कों को अकेले ही पछाड़ दिया। सभी हैरानी से कशिश की ओर देखने लगे। बिना खाना खाए सभी लोग घर आ गए। सभी आज शाम की घटना से घबरा गए थे। सनाया अपने आंसू ही नहीं रोक पा रही थी, लेकिन कशिश और अनु ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। सभी दोनों की तरफ देख रहे थे। घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी कशिश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या बात है, सभी इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? शादी का घर है, घर में रौनक होनी चाहिए। कशिश बेटा, तुमने कैसे उन दोनों को अकेले ही? ये मेरी मम्मा की उल्टी परवरिश का नतीजा है। आप सभी कहते हैं ना कि मैं घर से बाहर रहती हूँ, वो इसलिए कि माँ ने समय की ज़रूरत कहो या मांग, मम्मा मुझे कराटे सीखने भेजती हैं अपने सुरक्षा के लिए, और आज मैंने वही किया जो मुझे सिखाया गया है। खाना बनाना या घर का बाकी काम तो मैं कभी भी सीख सकती हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए खुद को मजबूत बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। शनाया सभी कामों में निपुण है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित है, ये गलत बात है। हर समय तो कोई हमारे साथ नहीं हो सकता। बहुत बातें हो गई, पहले सब खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म है। खाना ठंडा हो जाएगा तो कम स्वाद आएगा और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, वो अलग। सभी ऋषभ की तरफ देखने लगे। मम्मा ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था, इसीलिए मैंने खाना बना लिया था। हमारी मम्मा की परवरिश गलत नहीं है, हमें बहुत बुरा लगता था जब मम्मा की परवरिश को गलत ठहराया जाता था। मैं रसोई में मम्मा का हाथ इसलिए बटाता था क्योंकि
मैंने मम्मा को घर का काम अकेले करते देखा है। बाहर से घर के सभी लोग आकर यही कहते थे कि तुम्हारा काम ही क्या है। मम्मा बाहर से थक कर आती और अकेले ही सबके लिए खाना बनाती। आज भी अगर मैं खाना बनाकर ना रखता तो मम्मा अब खाना बनाती, वो भी अकेले ही। आप अच्छा खाना बनाते हो कहकर सभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और हमेशा की तरह हमारी मम्मा पिस जाती है। सभी लोग अपने कहे शब्दों के लिए शर्मिंदा थे। सब ने मिलकर खाना खाया। अनु आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी परवरिश सही साबित हो गई और इसका श्रेय बच्चों को जाता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।